Assalamu alaikum, dear students. I hope you all would be fine by the grace of Almighty Allah. Today our topic is, it is related to grammar, portion, interjection. प्यारे बच्चों, मैंने आज आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक ऐसा पार्ट उठाया है जिसका नाम इंटरजेक्शन है. आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आपका टॉपिक लिखा है इंटरजेक्शन. इट इज़ रिलेटेड टू योर ग्रामर. पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है बेटे. पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन यहाँ पे बताऊँगा और आप गौर से सुनोगे. ग्रामर में इंटरजेक्शन, प्यारे बच्चों, इसकी डेफिनेशन है स्पोकन वर्ड. आप नोट भी कर सकते हैं. अगर आप एक ही आज यही सीखोगे इस शॉर्ट वीडियो में, ये भी आपके लिए काफ़ी है. मैं प्यारे बच्चों, आप नोट करो, लिखो इसे इंटरजेक्शन को. ए स्पोकन वर्ड कामा फ्रेज आर समड दैट एक्सप्रेसेस सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. मैं इसे रिपीट करूँगा, इस डेफिनेशन को दोबारा. A spoken word, interjection is a spoken word. Interjection is a spoken word, comma, phrase or sound that expresses sudden strong feelings. प्यारे बच्चों, एक ऐसा लफ्ज़ है, ये एक ऐसी आवाज़ है जो इंसान को अचानक निकल जाती है कहीं पर, जब उसको कहीं स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो जाए. स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमें खुशी में भी हो जाती है, दुख में भी हो जाती है. अल्लाह बचाए किसी के घर में कोई वाकया पेश आ जाता है, मौत हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, परेशानी का सबब हो जाता है, वहाँ हमें एक अचानक एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जैसी हो जाती है. हमारी आवाज़ निकल जाती है, हाय अल्लाह, या कश्मीरी हम कहते हैं वही खुदाया, ऐसी सच दी साउंडस, या और जिसमें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो दुख की. या कभी कभार कोई अच्छा UPSC नीट वगैरह, कोई भी डॉक्टरेट या कोई भी अच्छी सीट निकाले कोई बच्चा, तो उसके घर वालों को या उसके पड़ोसियों को या उसके रिश्तेदारों को एक अजीब फीलिंग हो जाती है. वो खुशी के मारे चीख उठते हैं, हाई मुबारक अच्छी पास अगो हुई वगैरह, ऐसे बातें कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है इंटरजेक्शन में. या तो ये कभी खुशी में हम इस इंटरजेक्शन का यूज़ कर इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, या कभी गम में. मैच जीता, इम्तिहान में कामयाबी पास की, या कोई अच्छा काम हमने किया, कोई प्राइज़ जीता, तो उसमें हमें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो जाती है और वहाँ हमारा एक अजीब आवाज़ जैसी निकल जाती है, तो वहाँ पे वो इसका प्रयोग किया जाता है. और इसके साथ साथ कभी कभार खुशा अल्लाह बचाए किसी के घर में कोई मातम छा जाता है, परेशानी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ पर भी इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है. दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटरजेक्शन. और एक बात इसमें बेटा, जब भी इंटरजेक्शन जैसे हुर्रा, वी वन द मैच, अल्लाह, अफसोस वगैरह ऐसी बातें हों, तो लास्ट में उनको एक खड़ी डंडी, एक लकीर, खड़ी डंडी लगती है, नीचे उसका मार्क लगता है, दैट इज़ कॉल्ड नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. खुदा हाफिज़. शुक्रिया.